गिरे कैसे हैं? सारा इंतजाम है देखो, रोटी का लंगर है, चाय का लंगर है, छबील है, क्लब है। अच्छा अच्छा मैं देखी है, लोग पिक्चर्स डालते हैं यहाँ। चैनल वेलकम बैक टू अनदर डे। आज हम जा रहे हैं कहीं, मम्मा बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मम्मा? हम बहुत दिनों बाद निकले हैं कहीं बाहर। नॉर्मली तो हम जाती हैं सिटी में, तो घूमते फिरते रहते हैं। शिवांश को, शिवांश मामा फर्स्ट टाइम जा रहा है कि छोटा था बाहर से माथा टेक। हाँ तब एक्चुअली तब लॉकडाउन था तो हम बाहर से इसका माथा टिकवा दिया था, अंदर नहीं गए थे। मुझे तो आई गेस हो गया है 7-8 टाइम हम जा चुके हैं, ज्यादा जा। मम्मा आप कब से जाते हो? संचित जब एपीजे में पढ़ता था, मतलब स्कूल टाइम जब थे संचित। और आपको किसने बताया था? आपको कैसे पता चला? मेरा कोई फ्रेंड जाता था तो उसके साथ में जाना शुरू किया। अच्छा, और मुझे पता चला था, मतलब मेरे को भी बिफोर मैरिज पता है। पापा के एक फ्रेंड थे तो वो बहुत बिलीव करते थे उनमें, तो उन्होंने पापा को बताया था। फिर पापा ने भी जाना स्टार्ट किया तो पापा को भी अच्छा लगता था जाके, बहुत वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आती थी, तो हमने भी वहाँ जाना स्टार्ट कर दिया था। पापा हर मंथ जाते हैं, जो जेठा थर्सडे होता है उस दिन। और वैसे तो आप किसी भी दिन जा सकते हो, ऐसी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इस दिन जाना है, पर वी प्रेफर गोइंग ऑन थर्सडे। बस अब हम जा रहे हैं ऑफिस, पापा को देंगे खाना और उसके बाद हम निकलेंगे नकोदर के। शिवांश का यहाँ खाना पीना स्टार्ट हो गया है, कि लग भी गई शिवी को, बस खाना नहीं खाना, बाकी कुछ भी खिला लो इसको। अभी बारिश हो रही थी जब हम निकले हैं, तो बारिश रुक गई है, पर अभी वैसे वेदर तो अच्छा लग रहा है। कार में तो खैर अच्छा ही लगेगा वेदर, बाकी वहाँ जाके पता चलेगा कि कैसा था। तूने घुंडा फिर मार लिया संजय, पीछे मेरा कॉलेज निकल गया। मेरा भी, मेरा लाइट हो गई है, आपको कॉलेज की पड़ी। मम्मा अभी एचएमवी किया? यस। ये बिल्डिंग थी क्या? तुम्हारा तभी तो ग्रुप बना हुआ एचएमवी क्वींस वाला। अच्छा अच्छा हाँ। गिरे हैं ये? गिरे कैसे हैं? एक्चुअली सड़कें सारी तो इन्होंने शहर की तोड़ दी है। वो देखो ढेरी डेढ़ सा लगा हुआ है, उसके ऊपर तिलका होगा। फाइनली आफ्टर 1 घंटा ओवर रश था सिटी में, 1.5 घंटे के बाद हम नकोदर के लिए निकले हैं। क्या मम्मी? बेटे टीवी टावर है, अगर यहीं से आता था इसकी लाइट सारे शहर में दिखती होती थी। हम जब अपने नान के जाते थे अपने छत पे जाके स्पेशली देखते। मैं को नहीं पता मम्मी, मैं मतलब सुना तो हुआ इधर की साइड। दूरदर्शन यहीं से आता था, ये भी एक सिटी का वो था। अभी करेंटली वर्किंग है ये, देख लो कौन सी रोड है ये। खामड़ा रोड है, हाँ खामड़ा, जहाँ पे आपने, हाँ जहाँ पे आपने घर देखना था। रोज अप डाउन करना था, मैं तो पहले ही मरी पड़ी हूँ इतना, इतने में मुझे घबराहट इतनी हो रही है। एक तो पता नहीं क्यों जब भी ट्रैवल करती हूँ ओवर मुझे ट्रैवल सिकनेस होती है। बीच में तो ठीक हो गई थी है ना मम्मी, अब ज्यादा होने लग पड़ी है। सारी रोड तो तोड़ी जा रहे हैं। खामड़ा तो पापा मलवान आंदे होंदे सीगे, जो कहंदे होंदे सीगे कि बस तुसी मलवा के वापस आओ, फिर दोबारा मन कैसे हिल जांदे आ। सारे स्कूल्स भी खुल गए हैं क्या? हाँ सब स्कूल्स। तो फाइनली रीच्ड और पार्किंग एरिया में कार लगा दी है, बस अब जा रहे हैं। बहुत ही लंबी चौड़ी पार्किंग है पीछे तक, और सामने भी इसके इधर पार्किंग है, तो जैसे मर्जी कार पार्क करो, और ताकि कल को आपने कार में आना आप आराम से पार्क कर सको, राइट? और ये यहाँ पे सेकंड पार्किंग है, जो लोग इधर से आते हैं उनके लिए ये पार्किंग है। आज बहुत ओवर रश है, मे बी थर्सडे है इसलिए। बस अब जा रहे हैं जोड़ा घर अपनी चप्पलें रखने, फिर अंदर चलेंगे। मैं मम्मा और शिवांश यहाँ पे आ गए हैं, संचित की वेट कर रहे हैं, संचित को शाद लेने गए हैं। मम्मा कुछ रश ज्यादा नहीं है, थर्सडे के कारण होगा मेरे को।
यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो रही है जो चाय का लंगर मिलता है अंदर उसके लिए यहाँ पे है, वहाँ पे कप वगैरह धुल रहे हैं। भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, सारा इंतजाम है देखो, रोटी का लंगर है, चाय का लंगर है, छबील है और संगत भी बहुत है। आज बहुत संगत है, हम मुझे लगता है जितनी बार भी आए हैं हमें इतना रश तो कभी भी नहीं मिला। मे बी थर्सडे कारण होगा, पर वैसे मोस्टली थर्सडे को ही आते हैं हम। पर ये यहाँ की स्पेशल बात की जितना मर्जी रश हो आपकी जल्दी से दर्शन हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता ज्यादा। डेरे के बाहर ही शॉप्स लगी हुई हैं यहाँ पे और बहुत सी चीजें, बच्चों के टॉयज वगैरह हैं, हैंकीज वगैरह भी कितने लगे हैं ना, अगर किसी को चाहिए तो। क्या लेना है? वो डॉग वाला मैंने देखा था। चलो मम्मी ने शिवांश के लिए छोटा सा पप्पी बैग लिया है, मम्मी का पेट है, कहीं पे भी जाते हैं शिवांश के लिए कुछ ना कुछ को ले, ताकि मेमोरी हो जाए ना, जहाँ गया वहां से कुछ ले लिया। सो फाइनली दर्शन हो गए हैं और अब जा रहे हैं घर। बहुत ज्यादा रश था पर फिर भी टाइमली दर्शन हो गए हैं। एक्चुअली वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, नो कैमराज वर अलाउड। लोग तो वहाँ पे शूट कर रहे थे पर मुझे शूट करना ठीक नहीं लगा तो मैंने अवॉइड किया, जहाँ जहाँ पे अलाउड था मैंने बस वही कैप्चर किया। चलो उजरा उजरा मामा के सीट से उजरा, देखो दादी क्या लेके आई। और दादी कहती है शिवू के लिए छोटे से डॉगी ले लेते हैं। थैंक यू, चलो जाओ, देख लिया, चलो जाओ। ये क्या है? नहर है, नहर है। रोड पहले बन रही थी ना शिप्रा? हाँ हाँ, जब आए थे लास्ट टाइम। अब तो बन गई है सारी रोड, दो तीन बार आए तो बन रही थी। पर मम्मा यहाँ की सीनिक ब्यूटी कितनी है ना, सीनिक ब्यूटी क्या मतलब, जैसे तुम रोड पे एंटर करते हैं यहाँ कितनी पॉजिटिव सा फील होता है। क्या कर रही है? देखो सिर पे लगा रहे प्रसाद, क्या था जय कर लो जय, उन्हें चुके इतना लगा रहे सिर पे, पापा करते हैं ना रोज, तो इसको पता है। यहाँ पे इस डेरे की बहुत ज्यादा मान्यता है क्योंकि कहते हैं कि जो भी यहाँ पे मांगते हैं वो जरूर पूरा होता है, तो यहाँ से लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे हर मुराद पूरी होती है। संची भूख लगी है, 3 बज गए हैं। यहाँ पे सर्वे बेचता है, कहाँ पे वो है सर्वे बेचता है? नहीं मेरा सब खाने का मन नहीं है, कुछ क्या? और खाने का मन है, सिटी में जाके कुछ खा लेंगे, सिटी को अभी आधा घंटा कर लूंगी वेट, आधा घंटा और क्या। आपने क्या खाना होगा? आपका क्या खाने का मन है, रोटी खाने का मन है या स्नैक्स खाने का मन है? जो खिलाओगे खा लेंगे, मैंने पैकेट खा लिया, मेरा पेट है। मैंने भी थोड़े से चिप्स खा लिए थे तभी, पर अब भूख लग गई है, फुल हो गया पेट, टाइम भी तो हो गया, 3 बज गए। सारी सिटी में तो चलाते जा रहे थे कि रश बहुत है, क्लच से पैर नहीं उठाया जा रहा, और यहाँ पे अपनी ड्राइव एंजॉय कर रहे हो आराम से। सारा दिन ये और इनके शेरशाह के सॉन्ग, सारा दिन बैठ के वही सुनते रहते हैं, बोर नहीं होती एक ही सॉन्ग सुन सुन के? इतना भी कुछ खास नहीं है, सॉन्ग अच्छा है नो डाउट, पर ऐसा भी कुछ खास नहीं है सॉन्ग में कि सारा टाइम आपको यही सॉन्ग सुनना है। मेरे को तो कुछ बहुत अच्छा लगता है, मैं भी एक और सपोर्टर, तो आपको भी अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मेरा म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, मैं बीपर का फैन हूं, मुझे बीपर का हर सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, जितनी बार मर्जी सुनूं। वैसे ना इस मूवी के सारे ही सॉन्ग बहुत अच्छे लग रहे हैं कि यहाँ पे सोसाइटी की बाहर की लग रही है, ब्यूटीफुल लग रहा है यार कॉलेज, बहुत साफ बंदा सी। आप कब आए थे? बहुत पर यहाँ हम, ये तो बहुत दूर है, दूर नहीं है, दूर बस है। और ये क्या है? क्लब है? अच्छा अच्छा, मैं देखिए लोग पिक्चर्स डालते हैं यहाँ, यहाँ पे घुमाने लेके जाएंगे आगे तक जाने, पूरा रेडी फ्लैट यार, जगह तो देखो कितनी ब्यूटीफुल है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कहने लगी थी कि चंडीगढ़ की फील आ रही है, अब तो बहुत बस गया है। तो
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸੀਗੇ ਤਬ ਸੀ ਅਬ ਯਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਥੇ ਨਾ ਅਬ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਪਰ ਛੋਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਲਾਟ ਲੋਕੋ ਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਵਿਲਾਸ ਟਾਈਪ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਅਬ ਐਸੇ ਹੈ ਨਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਤਬ ਵੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਤੇ ਤੇ ਬਟ ਤਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਬ ਇਹ ਪਲਾਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਹਮੇ ਪਲਾਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਬ ਇਹ ਵਿਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਹਮੇ ਵਿਲਾ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਛੋੜੋ ਦਾਦੀ ਕੋ ਆ ਜਾਓ ਗੁੰਮੀ ਚੱਲੇ तो फाइनली हम AMPM आ गए कुछ खाने मोस्ट प्रॉब्ली रोटी रोटी ऑर्डर करने लगे हैं रोटी खाएंगे वो बहुत लगी बस भूख लगी है बहुत जोरों से अब फटाफट से डिग इन करते हैं खाते सो फाइनली डन विद द लंच सो मम्मी हाउ इज द फूड बहुत अच्छा था आपने तो थोड़ा ही खाया एज यूजुअल आपको ऐसे पता चलेगा कि अच्छा था कि नहीं अच्छा खासा खाया मैंने तो बहुत ही खा लिया मेरा तो हमेशा का ये बाहर जाके ओवर खा लेती हूँ फिर उसके बाद सोचती हूँ कि अब इसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं सो फाइनली बैक होम आके मैंने चेंज वगैरह किया और आराम से सो गई थी क्योंकि मैं इतना ज्यादा टायर्ड हो गई थी घूम फिर के बहुत दिनों बाद ऐसे आउट ऑफ सिटी निकले तो बहुत टायरिंग हो गया था और शिवांश यहाँ अपनी मस्ती कर रहा है कि डिनर इज रेडी और डिनर में है ओट्स चिल्ला बहुत ज्यादा टेस्टी है अभी मैंने थोड़ी सी बाइट लेके देखी थी मतलब उसको खाने लगी हूँ और साथ में मैं देख रही हूँ अपना वीडियो तो बस वीडियो एंजॉय करते करते अपना डिनर करो साथ में खत्म करती हूँ आज का व्लॉग आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो अच्छा लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो कमेंट डाउन बिलो कि आपको इस व्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा मैं तो जब बाहर जाती हूँ और शूट करती हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो आई होप आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज को जरूर शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए